गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आज का जो पाठ है हमारा वो है पदार्थों का पृथक्करण। कोई भी जो पदार्थ होता है हम उसमें से अस्वितियों को अलग करते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ से हम फसल करते हैं तो फसल उगाते हैं तो हम उसमें से जो कचरा अलग कर देते हैं, अनाज को अलग कर देते हैं। चाय होती है, चाय हम जब छलनी करते हैं तो हम छलनी के द्वारा हम चाय को होती है अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से पदार्थों का पृथक्करण हम इस लेसन में देखेंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, खाना बनाते हैं लोग घर में रसोई में देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, जो अनावश्यक चीज़ होती है जैसे कि मिर्च वगैरह होती है, मिर्च के अंदर जो बीज होते हैं उनको अलग करते हैं, लौकी की सब्जी बनाते हैं बीज अलग करते हैं। तो ये पृथक्करण होता है, मतलब उसमें हम अनावश्यक चीज़ को हटा देते हैं। पृथक्करण की विधियाँ, पृथक्करण की जो अलग अलग विधियाँ हैं, तो पहली विधि हस्त चेयर हाथों के द्वारा हम उसको प्रत्यक्ष करते हैं, अलग करते हैं। तो हस्त से विधि कहलाएगी, जैसा कि हाथों के द्वारा अनावश्यक पदार्थ को अलग करना। सेंसिंग, इसके अंदर एग्जांपल हम देख सकते हैं, गेहूं चावल से पत्थर पत्थर को अलग करना, ठीक है। एक हम हो गया पत्थर के द्वारा ड्रेसिंग, दूसरा जो है ड्रेसिंग ड्रेसिंग जो होगा उसमें से आपको क्या करना है, जो मतलब ड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, मशीनों के द्वारा घास अलग करना, ठीक। के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है हम उसमें से फसल जब पक जाती है फिर हम काट पक जाती है फिर हम काटते हैं, काटने के बाद हम उसको जो अनाज होता है वो अलग करते हैं, तो वो मशीनों के द्वारा हम अलग करते हैं और थ्रेसिंग कहलाती है, ठीक है। तो हस्त चयन तो होता है ड्रेसिंग की, मतलब आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अलग करते हैं तो वो होता है। और तीसरी जो विधि है उसको कहते हैं निष्पावन। पावन का मतलब क्या होती है, हवा। पावन का मतलब हवा होती है और हवा के द्वारा हम अस्वितियों को अलग करते हैं। इस विधि, ये विधि काफ़ी पुरानी विधि है, पहले इसी से हम हस्त जो अनाज का जो घास है वो अलग करते थे, ये विधि है। हवा के द्वारा
हाथ को अलग करना है। ठीक है, इस विधि से क्या करते हैं, एक जो होता है पात्र होता है उसमें हम अनार डालते हैं और जैसे ही वो हवा का जो वेग है, हवा का जो वेग होता है, हम उसके जब हम अनार को नीचे गिराते हैं तो जो हल्का जो घास होता है वो निकल जाता है और बीज है वो सीधे नीचे गिरते हैं क्योंकि उसमें वजन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से निष्पावन विधि होती है, चालन विधि, चारों के चारों छलनी से, छलनी से कंकड़ पत्थर अलग करना। ठीक है, तो इसी विधि के अंदर छलनी से हम कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं। और बहुत सारी विधियां अवसाधन निस्तारण और निस्पंदन ये हम कर पड़ेंगे। ठीक है, चार विधि आपको अगर बताइए कि आप देखेंगे।